अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा मुश्क की पहचान, फायदे और इस्तेमाल। मुख्तलिफ जबानों में मुश्क के नाम: अरबी में मिस्क, फारसी में मुश्क, हिंदी में कस्तूरी, सिंधी में मुश्क, बंगाली में मर्ग बाब, बर्मी में केडो, अंग्रेजी में मिस्क और लातिनी में मास्कस कहते हैं। पुराने जमाने में चीनी लोग अपने लिबास पर खुशबू लगाते थे। मजहबी तकारीब और जनाजों पर लोबान जलाते थे। उन्होंने सबसे कीमती खुशबू मुश्क को भी दरियाफ्त किया। मुश्क का जिक्र कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कलाम नहज अल बलागा में भी मुश्क की तारीफ की है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरफूअन मरवी है कि सबसे उम्दा खुशबू मुश्क है। हैज से पाक होने वाली औरत को भी मुश्क के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। मरवी है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज मुतहरात को घर खुशबू मंगवाते थे। उल्मा फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुश्क लगाना मुस्तहब है, जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मुश्क लगाने और गुसल करने का हुक्म दिया है। मुश्क से हवा की जोहर बिलखसूस वबाई अमराज की इस्लाह होती है और इसको बतौर इलाज इस्तेमाल करना जायज है। मुश्क की पहचान: सबसे उम्दा मुश्क खुरासानी होती है, फिर चीनी और फिर हिंदी मुश्क का दर्जा आता है। यह खुशबूदार खुश्कशुदा रतुबत है जो नर आहुए मुश्की से हासिल की जाती है। मुश्क नाफ के करीब एक झलीदार थैली में होता है। इस थैली को नाफ की निस्बत से नाफा कहते हैं। मुश्क महज नर हरण में पाया जाता है, मादा में नहीं होता है। जब ये नाफा पुख्ता हो जाता है तो कई मील तक की हवा मोतर कर देता है। नाफा के अंदर दाने दानेदार स्याह सुर्खी माइल जो बहुत तेज और मजा तल्ख होता है। नोट: खतन का मुश्क। खतन चीन का एक इलाका है जहां के हरण मशहूर हैं, जिनके नाफों से आला किस्म का मुश्क निकलता है। असल मुश्क को पहचानने के लिए एक तजर्बा। असल कस्तूरी या मुश्क की पहचान ये होती है कि अगर सुई को धागे समेत लहसुन के पोथे से गुजारा जाए और फिर उस सुई धागे को नाफा से गुजारा जाए और लहसुन की बू गायब हो जाए तो समझने के कस्तूरी खालिस है। मुश्क में मिलावट: कस्तूरी चूंकि बहुत कीमती और नायाब है, इसलिए नाफा में खुश्क खून या खुश्क कलेजी का सफोफ नाफा में वजन बढ़ाने के लिए मिला दिया जाता है। किस किस्म की हरम से मुश्क मिलता है? लोगों का ख्याल है कि हर मैदानी हरन के नाफे से मुश्क की थैली बरामद होती है। कस्तूरी वाला हरन खास जंगलों में 8 से 10 हजार फुट की बुलंदी पर पाया जाता है। चीन, नेपाल, गिलगित और रूस के बालाई पहाड़ी इलाकों में यह हरन पाया जाता है। यहाँ इसकी बाकायदा फार्मिंग की जा रही है। मुश्क वाले हरन की पहचान: ये भूरे रंग का एक छोटा सा हरन है जिसके बाल भूरे और घास की तरह हैं। इसके कान काफी लंबे, कद 2.5-3 फुट
और अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें लंबी होती हैं। नर हरण के मुंह से दो दांत निकलकर निचली तरफ बड़े हुए होते हैं, मादा के दांत ऐसे नहीं होते। कस्तूरी सिर्फ नर से निकलती है जो इसके नाफ में थैली की शिकल में होती है। हिलाल करने से पहले फौरी तौर पर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि खून में कस्तूरी तहलील न हो जाए। कस्तूरी कलेजी के रंग जैसी गाढ़ी सी महलूल की शिकल में होती है जो कि निकालने के बाद चंद मिनटों में जमकर सख्त हो जाती है। नाफ में बाल नुमा थैली को बमा खाल काटकर महफूज किया जाता है। असली मुश्क की पहचान। असल नाफा की साख्त के अंदर बहुत से खाने होते हैं लेकिन मसनू नाफा के अंदर खाने नहीं होते। असल मुश्क जिल्द में जलब हो जाता है। इसका तरीका यह है कि दोनों हाथों को अच्छी तरह मलकर धो लें, बाद में मुश्क को हाथों में हथेली पर अच्छी तरह मलें। अगर जलब हो जाए तो असली, वरना मेल की तरह मरोड़ी सी बनकर उतर जाएगी। मुश्क का इस्तेमाल। कलब व दिमाग और तमाम आजा को कवी करता है। असली हरारत गुलेजी को उभारती है। हवा से खमस जाहरी व बातनी को ताकत देती है और मशहूर मोहरिक व मकवी बाह दवा है। ज़ईफ कलब गशी माली खोलिया मराकी खफकान मिर्गी इख्तनाक अलरहम और उम अल सबयान फालिज लकवा रशा वगैरह अमराज में माजूमात वगैरह में शामिल करते हैं। ज़ईफ कवा के वक्त इसको खिलाने से कुवत ऊद कर आती है। इस्तेमाल बैरूनी। मुश्क से अतर या परफ्यूम तैयार किए जाते हैं जो कि बहुत मशहूर खुशबू में से एक है। मुश्क की खुशबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। उसको सूंघना जुकाम और दर्द सर बारिद में मुफीद है। इसको हमूल फिरजा रहम को तकवीत देता और मोइन हमल चुनाचा मुश्क खालिस 3 रत्ती ज़ैफ़रान 1.5 ग्राम अलसलब मिस्री 3 ग्राम बारीक कूट छानकर शहद में मिलाकर कपड़ा लित करके इंदा में नहानी में रखना और इसके बाद मुबाशरत करना इस्तकरारे हमल में बहुत मुफीद है। तकवियत बाह की गर्ज से इसको तिलाओं में इस्तेमाल करते हैं और कुवत अदविया को तबकात चिशम में पहुंचाने के लिए सिरमों में शामिल करते हैं। नफा खास मकवी बाह व दिल व दिमाग। मशहूर माजून दवा अल मिस्क मौत दिल जवाहिर वाली। ये माजून मायदा जिगर और दिल को कुवत बख्शती है। सतावी बुखारात को तहलील करती है। कुवत बाह को बढ़ाती है। मनी को गाढ़ा करती है। मुश्क की शमूलियत की वजह से दवा अल मिस्क का नाम दिया गया है। ये सूरत इंदाल का खात्मा करती है। आम जिस्मानी कमजोरी के लिए बेहद मुफीद है। दिल की घबराहट खफकान डिप्रेशन के लिए शायद ही इससे बेहतर कोई मुरक्कब हो। ये दवा आपको मार्केट में आसानी मिल जाएगी। अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।